चाईबासा के गुरुगिलिकेरा गांव में हुए 7 आदिवासियों की हत्या और पत्थलगड़ी के विरोध में भाजपा ने राजभवन के समक्ष मौन धारण किया और वहां पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा के कई विधायक उपस्थित रहे। हाथों में तख्तियां लेकर बैठे भाजपाइयों ने आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही साथ उन्हें फांसी देने की मांग तक कर डाली। तख्तियों पर आदिवासियों के खून की होली खेलना बंद करो, आदिवासियों के हथियारों को गिरफ्तार करो, ये केवल सत्ता का खेल है। आदिवासी हित गौण है, आदिवासी के हथियारों को फांसी दो जैसे नारों को लिखकर बीजेपी ने मौन धारण किया था। इस मौके पर पार्टी के राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव, पूर्व मंत्री कोडरमा से विधायक नीरा यादव समेत पार्टी के प्रदेश स्तर के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, ये जो 7 निहत्थे आदिवासियों का नृशंस हत्या, उनका सर काट के फेंक दिया गया, उसी के खिलाफ प्रदेश भाजपा का आज एक दिवसीय मौन धरना यहाँ था। और धरने के बाद राज्यपाल को राज्य की बदली हुई परिस्थिति से अवगत कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्य के सारे भाजपा के विधायक और लगभग जो सांसद हैं हमारे दल के, वो गए हैं और ये स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्यपाल हस्तक्षेप करें इस मामले को, क्योंकि पूरा राज्य प्रशासन के नियंत्रण से, सरकार के नियंत्रण से बाहर जाता हुआ दिख रहा और लगातार हिंसक घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा प्रदेश भाजपा करती है और इस बदले हालात से गवर्नर को अवगत कराने के लिए हमारी टीम गई है। वहीं इस दौरान राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। भाजपा के वक्ताओं ने कहा कि हेमंत की सरकार में इस तरह के मामले राज्य के लिए चिंतनीय है, पुलिसिया व्यवस्था भी पूरी तरह से लचर हो गई है, इस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग जो प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिले, हम लोग का मांग था कि प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी मिले और 20-20 लाख रुपए मुआवजा भी मिले, और जहां जो प्रभावित गांव हैं, जिस गांव में यह घटना घटी है, उस गाँव में TOP तत्काल बन जाना चाहिए, ताकि जो भय का वातावरण है, लोगों में जो दहशत है, बहुत हद तक उसको हम काबू कर पाएँ, वहाँ उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना रहे। इस ख्याल से हम लोग ने आज डिमांड किया है महामहिम राज्यपाल महोदय से, तो बोले कि हम सरकार से बातचीत कर करके पूरा कोशिश करेंगे, सरकार से बात करेंगे और शांति व्यवस्था बहाल करने का। लोरदा की जो घटना है, 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में शांति प्रिय ढंग से रैली लोग निकाले, उस रैली पर असामाजिक तत्वों के द्वारा एक तो पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता उसमें प्रभावित हुए हैं, चोटें लगा है। उस घटना को भी हम लोग ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो दोषीदार हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में इतनी बड़ी घटना हुई है जिसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। नई सरकार गठन के बाद नक्सलियों का उत्पात भी सामने आने लगा है। अब देखना यह है कि नई सरकार इस मामले को लेकर कितना ध्यान देती है और कैसे समाधान निकालती है। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।